हेलो फ्रेंड्स, फूड डिवाइन देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों से कढ़ाई पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट के स्वाद में। तो चलिए देखते हैं हमें कढ़ाई पनीर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम पनीर ले लिया है। पनीर को मैंने थोड़ा सा मोटा साइज में चौकोर काट लिया है। एक शिमला मिर्च को हमने थोड़ा बड़े साइज में टुकड़े कर लिए है। देखिए, प्याज लिया है हमने दो मीडियम साइज का, उसे भी हमने थोड़ा बड़े साइज में टुकड़े कर लिया है। एक चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। हाफ चम्मच हमने नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा। कसूरी मेथी लिया है, इसे हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। एक चम्मच हमने गरम मसाला लिया है। आधा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है और एक चौथाई चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। दो टमाटर को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और यहाँ पे एक बड़े साइज का प्याज, इसे हमने पतले चॉप कर लिया है। देखिए, टमाटर और ये हमारे प्याज का पेस्ट बनाना है। और हमने चार पांच काजू के दाने ले लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम कढ़ाई पनीर बनाना। एक कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच सरसों का तेल ले लिया है। गैस हम स्लो कर देंगे पहले और इसमें हम पनीर को 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। सारे पनीर के पीसेस डाल देंगे हम इसमें। 2 मिनट हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। हल्का लाइट ब्राउन होने तक हम इसे पलट के दोनों तरफ हम फ्राई कर लेंगे। देखिए, कलर चेंज हो गया है। अब हम सारे पनीर को पलट देंगे। पनीर हमारा देखिए फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बस हल्का हमें कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करना था। अब हम सभी पनीर को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसी तेल में प्याज डाल देंगे जो हमने बड़े बड़े चॉप करके रखे थे। 2 मिनट हम इसे फ्राई कर लेंगे। गैस हम मीडियम कर देते हैं। दो मिनट बाद हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे और शिमला मिर्च डालने के बाद 2 मिनट हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। दो मिनट बाद हम शिमला मिर्च और प्याज को पनीर वाले बाउल में निकाल लेंगे। थोड़ा ऐसे फ्राई करने से हमारे कढ़ाई पनीर का टेस्ट और बढ़ जाते हैं, इसलिए मैंने इसे पहले थोड़ा फ्राई कर लिया है। अब हम इसी तेल में जो हमारा पतले वाले प्याज चॉप करके रखा था वो डाल देंगे। इसे हमें हल्का भूनना है। जब हमारा सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसमें टमाटर डालेंगे। 2 मिनट हम पहले प्याज को भून लेंगे। अब हम टमाटर डाल देंगे और ये काजू के टुकड़े। टमाटर को बिल्कुल सॉफ्ट होने तक हमें इसे भूनना है। उसके बाद हम इसको थोड़ा ठंडा करके पेस्ट बनाएंगे। तो इसे हम ढक देते हैं। ढक के हम इसे 2 मिनट पकाएंगे, तब तक हमारा टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ साबुत मसाले लिया है। देखिए, थोड़ा सा हमने 1 चम्मच हमने धनिया लिया है साबुत, 1 चम्मच हमने जीरा लिया है, 3 सूखी लाल मिर्च लिया है साबुत और 15 से 20 हमने काली मिर्च लिया है
और चार टुकड़ा हमने दालचीनी के लिए है। इसे हम एक तवे में थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। 2-3 मिनट हम इसे तवे पे रोस्ट कर लेंगे। इसको हमें थोड़ा ठंडा करके इसका पाउडर बनाना है, तो हम इसको रोस्ट के बाद ठंडा करके इसको मिक्सी में चला लेंगे। इस मसाले का खुशबू अलग से आएंगे, एक फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा हमारे कढ़ाई पनीर में। 2 मिनट हम रोस्ट कर लेंगे इसे। हमारे सारे साबुत मसाले रोस्ट हो गए अच्छे से। हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीस लेंगे। 2 मिनट बाद हम चेक करेंगे टमाटर को। देखिए सॉफ्ट हो गया है हमारा टमाटर। थोड़ा गैस को हम तेज कर देंगे और टमाटर को हम चम्मच से थोड़ा सा मसल देंगे। देखिए इस तरीके से। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीस लेंगे। इसको पेस्ट बना लेंगे हम इसका थोड़ा ठंडा होने के बाद। उसी कढ़ाई को मैंने धो लिया है। इसमें हम 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। थोड़ा सा हम तेल को गर्म होने देंगे। सबसे पहले हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अच्छे से हम भून लेंगे अदरक लहसुन को। अदरक लहसुन को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ये मैंने टमाटर, काजू और प्याज का जो हमने पेस्ट बना के तैयार किया है वो डाल देंगे इसमें। पेस्ट डालने के बाद हम अच्छे से इसे 2-3 मिनट भूनेंगे। थोड़ा सा जार में हमारा लगा हुआ था तो मैंने 2-3 चम्मच पानी डाल के इसमें ले लिया है। अब इसमें ये पानी डाल देंगे और मसाले को हम अच्छे से 2-3 मिनट तक भूनेंगे। जब हमारा साइड से मसाले से तेल अलग हो जाएगा तब तक हमें इसे भूनना है। 2 मिनट बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और ये नमक आप अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा। अच्छे से मिला लेंगे हम और 2 मिनट हम इसे भूनेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भून गया है। देखिए अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम ऐड कर देंगे हम इसमें। मिला लेंगे अच्छे से। देखिए क्रीम डालने के बाद अच्छे से मिला लिया हमने। 1 मिनट इसे चला लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने थोड़ा कम ज़्यादा ग्रेवी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं पहले 1 कप पानी डालूंगी इसमें। मिला लेंगे हम मसाले को। और इसमें और बिल्कुल 1/4 कप हम और पानी डालेंगे।
थोड़ा सा हम ग्रेवी में उबाल आने देंगे पहले। देखिए ग्रेवी में हमारा उबल आ चुका है। अब हम इसमें ये फ्राई किया हुआ पनीर, शिमला मिर्च और प्याज डाल देंगे। हमारा शिमला मिर्च, प्याज और पनीर पहले से ही फ्राई है, तो ये हमारा ज़्यादा इसे पकाने की और ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें ये हमने रोस्ट करके रखा हुआ था कसूरी मेथी, ये हम थोड़ा सा हथेलियों के बीज में रख के थोड़ा क्रश करके डालेंगे। और ये जो हमने धनिया, जीरा का जो हमने रोस्ट करके मसाले पीस लिए थे, ये मसाले भी हम सारे इसमें डाल देंगे। मिला लेंगे हम। सभी मसाले को हम अच्छे से मिला लिया है। अब गैस को हम लो मीडियम फ्लेम में कर देंगे और इसे हम ढक देंगे। 3-4 मिनट के लिए हम इसे ढक के पकाएंगे। 3 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। मिला लेंगे हम। देखिए अब हम इसे खोल के 2 मिनट और पकाएंगे। 2 मिनट बाद हम गैस बंद कर देंगे। गैस को हम लो मीडियम फ्लेम में कर दिया है। 2 मिनट बाद हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि जो हमारा रोस्टेड मसाले है उसी में बहुत अच्छा खुशबू है, तो गरम मसाले हम बिल्कुल ही कम यूज़ करेंगे इसमें। अब हम गैस बंद कर देंगे और एक बाउल में इसे सर्व कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल में कढ़ाई पनीर बनके तैयार है। ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तो इस रेसिपी को आप अपने घर में ट्राई कीजिए और कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे नए नए रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं अगला रेसिपी लेके जल्दी आप लोगों के सामने आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।